आज अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विजय कर रहे हैं। देश भर में उत्तर प्रदेश में चलते गए जाकर आपका राज जगह जगह भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया। आज भारतीय जनता पार्टी में अपने संगठन को विलय कर रहे हैं। श्रीमान पंडित भागेंद्र शास्त्री जी आज हम सबको भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आप उपस्थित हैं। मैं नारायणी पंचारी आज हमारे लगाव से आपसे अनुरोध करूंगा श्रीमान गंगाजी जी मिल साहब को दुपट्टा लगा करके स्वागत करें। पिछले 40 साल से लगातार छात्र जीवन से ऋषि से लेकर यूथ कांग्रेस से और लीगल सेल को राजस्थान में खड़ा किया। 10 साल महामंत्री पीसीसी का रहा, उपाध्यक्ष रहा, पूरी पार्टी को मैंने पूरे राजस्थान में तन मन धन से चलाया। आज पार्टी 4 खंडों में बटी हुई है, अलग अलग नेताओं ने अपने ग्रुप बना रखे हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो अलग अलग खुले हुए हैं। जिस तरह का वातावरण आज कांग्रेस में है, खंड खंड कांग्रेस हो रही है, कार्यकर्ता एक कोई छिड़ने वाला नहीं है। राम मंदिर के मामले में जिस तरह की नीति रही उससे हम आज हैं, हम सनातनी हैं, और जिस तरह मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट और संगठित होकर आगे बढ़ रहा है, विकास के रास्ते में बढ़ रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेके चल रहे हैं, और जिस तरह संगठन में एक साधारण से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री जिस तरह आस्था में बनाया और जिस तरह मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं पेपर लीक के मामले में, अपराधियों के खिलाफ काम करने में, योजनाओं को लागू करने में, चाहे आरसीपी हो, चाहे छू इधर से यमुना नहर के पानी लाने की बात हो, चाहे अन्य जितने भी काम इतने कम समय में मुख्यमंत्री जी जिस तरह भाजपा के काम कर रहे हैं पूरे तेजी के साथ, और जिस तरह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक लहर चल रही है 400 पार, आपकी बात 400 पार, मैं मानता हूँ कि इसमें इस राष्ट्रवादी सोच के साथ इस देश को एक और अखंड रखने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय लिया। हम संगठन के आदमी है, संगठन के साथ मिलकर अनकंडीशनल सेवा करेंगे। जो भी देश में राजनीति में देश एक हो, अखंड रहे, मजबूत रहे, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का झंडा फहराता रहे। जय भारत। मुझे बीजेपी पार्टी को वापस आने की बहुत खुशी हो रही है। मैं बीजेपी पार्टी से 2003 का चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर किसी कारणवश मेरी पार्टी छोटी पड़ी और कांग्रेस के मैंने कम से कम 15-18 साल तक सेवा किया। लाखों रुपए सूत्र लगाए और सूत्र मरे परिवार के साथ कोई बोल रहे कोई व्यवस्था करने वाला नहीं था। लेकिन लिए रोटा साहब जब मुझे अध्यक्ष बनाया तो वो अपने स्वार्थ के लिए एक केंद्र को लिए, उनके थोड़े बहुत वोट कुमारों के थे उनके क्षेत्र में, उसको मंत्री का दर्जा दे दिया। और उसके बाद में सरदार जी जो रंधावा जी थे उन्होंने हमारे क्षेत्र में सरदार जी को मंत्री का दर्जा दे दिया और अशोक जी के लोग उनके प्रभाव पे आ गए और हमारे साथ लास्ट टाइम धोखा करता रहे। हालांकि हमने हमें पता लग गया था कि मतलब धोखा करेंगे, तो लास्ट में राजा राम जो प्रदेश चार भाजपा अध्यक्ष था छोटा भाई उसने जाके कहा कि आपको जो जिले में जाटो तो दो, हमेशा से सीट दो बट साधु शहर और फूट कर रही है जाटों की, आप जाटो के साथ अन्याय कर दो मेरे हमारे को मत दो शिशु शहर में दे दो। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और वो लाल सबस आ गया जैसे भी करके। मतलब उस दिन मुझे ये महसूस हुआ कि ये पार्टी के दुश्मन बैठे कांग्रेस के अंदर, ये हमारा किसी का क्या भला करेंगे। और दूसरी तरफ आज मैं कांग्रेस बीजेपी में आया हूँ तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं अपने पुराने घर में वापिस आ गया हूँ। ये एहसास हो रहा है कि बाकी कोई पार्टी कोई चीज होती है। कांग्रेस में इतने साल धक्के खाए लेकिन कभी कोई महसूस नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी में बाकी जैसा भी सुनते हैं मोदी जी ने पूरे देश में विदेशों में हिंदुस्तान का नाम चुकाया है। उसके हिसाब से पूरे देश के अंदर है बहुत से प्रांतों में राज बीजेपी का शासन है और बहुत विकास कार्य हो रहे हैं देश के अंदर है, लेकिन कांग्रेस के अंदर तो पूरी पार्टी दूसरे एक दूसरे की टांग खींचाई किसका कुछ है ही। इसीलिए मैंने उसी वक्त से भी मैंने पार्टी के साथ लग गए और मैंने पार्टी मदद भी की और आज मैं पार्टी प्रेरित की। मैंने धन्यवाद।